तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर जो सोशल मीडिया पे आना चाहता है, इसमें एक पागलपन भी है। लोग ऐसा सोचते हैं कि यही दुनिया है, यही जिंदगी है, जबकि ये फेक दुनिया है एक्चुअल में। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने आप को आजमाओ, जितना पैसा कमाना है कमाओ, उसके बाद इसके लिए पागल मत हो जाना। मैंने भी अपने लिए डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर टाइम एज के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा, फिर मैं दूसरों को या किसी को जो भी चलाना चाहता होगा उन्हें दे दूंगा, ताकि वो लोग अपनी जर्नी को आगे कर सके। इसी वजह से मैंने वेदांतों ने मेडिजी चैनल है जो मैंने वेदांतों को दे दिया। अब वो लेगेसी आगे लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग नाम कमा रहे हैं। ऐसे एक दिन आएगा जब ए टू मोटिवेशन, ए टू अमेजिंग फैक्ट्स जो चैनल चल रहे हैं, 45 के बाद तो मैंने संन्यास लेना, मैं पैसों के लिए काम नहीं करूँगा। तो इन दैट केस मैंने सोचा कि यार ये भसड़ है, क्योंकि 70 साल की उम्र है हमारी लास्ट, एवरेज उम्र है, पता नहीं 65-70 साल से ज़्यादा जिएगा नहीं कोई इंडियन। तो अब यार और कितना सोशल मीडिया के भसड़ में पड़े रहेंगे, और बहुत सारे काम करने हैं, आराम भी कर रहे हैं। तो बस ये है कि एक वक्त है कि सर्टेन वक्त अब जितनी सर्विसेज दे सकता हूँ लोगों को, जितना सिखा सकता हूँ उतना सिखाऊंगा कि यूट्यूब क्या होता है, कैसे होता है। एक वक्त आएगा जब मैं सोशल मीडिया को छोड़ के अपना खुद का पर्सनल काम करूँगा। मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ मैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए समय निकालूँ, जो वो समय निकालना चाहता हूँ उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और जब ये हो जाएगा और जब मेरे साथ जुड़े लोगों का भी उद्धार हो जाएगा, तो ये लेगेसी हम लोग आगे किसी और को देंगे, कोई और संभालेगा, ताकि ये जो A2 की लेगेसी है वो जिंदा रहे, है ना। किसी और A2 को पकड़ेंगे जो इस चीज़ को आगे चलाएं, जिंदा रहनी चाहिए, हमारे आने और जाने से क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है, पर आपको ध्यान रखना, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बस आज बस वो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगती है कि आज एक्चुअल में मैंने नहीं सोचा था कि इसके आदि बन जाएंगे हम लोग। वीडियो शौक के लिए बनाना शुरू किया था, लेकिन आज उसके आदि बन गए। आदि समझते हो कि पागल हो गए कि डालना है वीडियो, अरे ऐसी क्या ड्यूटी लग गई, समझ रहे हो। तो वो एक थोड़ी अजीब लगती है कि इसकी लत लग जाना गलत है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सोच समझ के आओ, और एक सर्टेन पीरियड के लिए आओ, जब नाम पैसा कमा लेते तो इसके बाद आप सोच लो कि नहीं अब बहुत हो गया। सो ऐसे दिमाग से भी आना, या पूरी ज़िंदगी ये काम नहीं करना। तो ये भी मैं आप लोगों को एक लर्निंग है जो मेरी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पागलपन है, और अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ये इतना ज़्यादा हो गया कि घर घर में लोग यही सोच रहे हैं, मोबाइल लो पैसा कमाओ, मोबाइल लो वीडियो बनाओ पैसा कमाओ, कुछ भी करो पैसा कमाओ। तो वो थोड़ी ऑकवर्ड चीज़ है, जहाँ से आर्ट और आर्टिस्टिक लोग जो है ना वो धीरे धीरे वैनिश होते चले जा रहे हैं। जो रियल आर्टिस्टिक लोग हैं वो छुपते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसे एक फूहड़ जो वीडियोज़ होती हैं उनके आगे।